सुजानपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने जो काम किया है जनता उसकी सदा आभारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीते दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उन्होंने सुजानपुर के कुछ पदाधिकारियों पर सवालिया निशान जरूर लगाए हैं जिनके कार्यप्रणाली पर उन्होंने उंगली उठाई थी। उन्होंने कहा कि शहर की सुंदरता को लेकर वे हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय होता नजर आएगा। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से विधायक राजेंद्र राणा का सम्मान करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो खबर मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा दी गई थी उसमें उन्होंने केवल नगर परिषद की प्रधान और पार्षद के कार्यों पर असंतुष्टि व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि मीडिया का दरवाजा उन्होंने तभी खटखटाया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि नगर परिषद में काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी उन्हें नगर परिषद में हो रहे कार्यों पर कोई गलती नजर आती है तो वे अवश्य मीडिया में उठाएंगे। उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके वक्तव्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ थे, ना कि विधायक राजेंद्र राणा के खिलाफ। उन्होंने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा एक ईमानदार और कांग्रेस के कट्टर सिपाही हैं जो जनता के हित की बात करते हैं। उन्होंने बताया कि सुजानपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने में विधायक राजेंद्र राणा ने काफी काम किया है। उन्होंने वीरेंद्र ठाकुर को कहा कि वे गलत तरीके की राजनीति को ना करें। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेंद्र राणा जी का जो सुजानपुर में डेवलपमेंट के लिए इनका योगदान है वो सुजानपुर की जनता कभी नहीं भूल सकती। आज मैंने एक न्यूज़ पत्र में पढ़ा कि रमन भटनागर ने खबर लगवाई है, एक वीडियो जारी की है, तो वो वीडियो जारी किया वो राजेंद्र राणा के खिलाफ नहीं था, वो तो कुछ कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता जो गलत काम करेंगे उनका तो विरोध कर ही सकते हैं, और ये हमारे विधायक का ये है कि कोई भी गलत काम ना करे पार्टी में, जो करेगा उसका विरोध होना ही चाहिए। इसमें राजेंद्र राणा जी कहाँ से आ गए, जो हमारे मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी के कह रहे हैं कि राणा जी का उन्होंने विरोध किया है कि राणा जी की कथनी करनी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ इस शहर सुजानपुर के लिए, अब वीरेंद्र जी आप ध्यान से देखें तो जो काम सुजानपुर में उन्होंने किए, आपके सामने मिनी सेक्रेटर है, नगर परिषद है, सिविल हॉस्पिटल है, ITI की बिल्डिंग है, सब्जी मंडी है, SDM ऑफिस है, सब काम इनकी ही देन है। ये सब काम करते हैं, राजेंद्र राणा का सब सम्मान करते हैं, पूरा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र सम्मान करता है, और मैं भी उनका हृदय के दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। ये राजेंद्र राणा के खिलाफ नहीं थी, ये खिलाफ उन कार्यकर्ताओं की जो छुट रही कार्यकर्ते होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, उनके खिलाफ बोला है। अगर वो गलत काम करे उनके खिलाफ मैं फिर भी बोलता रहूँगा, परंतु इसमें राजेंद्र राणा जी का कोई ये नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से फायदा लेने की कोशिश करेगी।